हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम आ चुके हैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में, और यहाँ पे ना मैं इस गेम प्ले वीडियो में एक चैलेंज करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या चैलेंज होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आएगा, और ये चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो अच्छे से देखना गाइस। तो अभी मैं उतरता हूँ पोचिंग की में, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे छत पे उतर जाता हूँ, और छत पे उतरते मैं आजू बाजू देख रहा होता हूँ कि कोई उतरा तो नहीं है। तो मेरे को दिखता है कि यहाँ पे तो कोई उतरा ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जल्दी से मतलब लूट करता हूँ, फिर लूट करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट रश करूँगा, क्योंकि यहाँ तो कोई आया नहीं है, तो हमें खुद जाना पड़ेगा। तो मैं अभी लूटता हूँ फिर, तो आगे देखो। तो यहाँ पहुँचेंगे मैं, मेरी पूरी लूट हो जाती है। लूट होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि आगे की साइड आता हूँ, तो मेरे को एक बॉट दिखता है, तो मैं उस बॉट को मार देता हूँ, और आप लोग को इस चीज़ से पता चल जाता है कि लाइक चैलेंज क्या होने वाला है, ठीक है। तो चैलेंज होगा मेरा क्रॉसबो का, ओनली क्रॉसबो यूज़ करूँगा, और क्रॉसबो के साथ मैं एक और गन यूज़ करूँगा जो कि होगा एक पिस्टल, ठीक है। क्रॉसबो प्लस पिस्टल, ये मेरा चैलेंज होगा। अब AKM तो दिख रही होगी आपको जो मैंने उठा रखी है, ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं करता मैं, ऐसी पड़ी हुई है, और क्यों उठाता हूँ मुझे भी नहीं पता। तो मेरा जो चैलेंज होगा वो होगा क्रॉसबो और पिस्टल का, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे देखते रहो गाइस क्या क्या होगा। तो वो चिंकी में लूट होने के बाद मैं बग्गी ले लेता हूँ, और बग्गी लेके आगे की साइड टेंट वाली जगह पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनिमीज होते हैं, तो देखो उनसे कैसे फाइट लेंगे। तो फाइनली इतने सारे हिट देने के बाद वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। मतलब मेरे को दिख नहीं रहा होता, पता नहीं क्यों, मतलब ये पिस्टल पे जो रेड डॉट लगी हुई है ना, इससे कुछ दिख नहीं रहा होता है, जो कि मैं बाद में उतार देता हूँ, ठीक है। मतलब पिस्टल में रेड डॉट सही नहीं लग रहा, मैं आयरन साइड पर चलाऊँगा बाद में, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। इसको फिनिश करने के लिए मेरे को इतना एमओ वेस्ट करना पड़ा। तो खैर जो भी हो, मेरा टीममेट आगे के साइड नॉक हो चुका है, जिसको इसके टीममेट ने नॉक किया था, जिसको मैंने अभी मारा। तो मैं क्या करता हूँ, बग्गी लेके अपने टीममेट को बचाने जाता हूँ, तो देखते हैं क्या मैं उसे बचा पाऊँगा या नहीं। तो आगे देखते रहो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने आ जाता हूँ, और मैं जब यहाँ पे रिवाइव दे रहा होता हूँ, तो उस बंदे ने, एनिमी ने इतना खतरनाक नेट किया होता है ना, कि मतलब मेरे मुंह के सामने आया ही था, लेकिन पत्थर ने मुझे बचा लिया, जो कि टकरा के पीछे चले गया था। तो मैं क्या करता हूँ, अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी से तू बैठ जाए, क्योंकि देखो अगर हम लोग वहाँ पे और रुके रहे ना, तो हो सकता है और ग्रेनेड आ जाए और हम लोग वहाँ पे मर जाए ना। तो मैं अपने टीममेट को बैठा लेता हूँ, और वहाँ से मैं भाग के यहाँ आ जाता हूँ जहाँ पे टेंट रहता है, और यहाँ पे मैं रुकता हूँ और थोड़ा वेट करूँगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के थोड़ा वेट कर रहा था, तो मेरे को बग्गी की आवाज़ आती है, ठीक है। अब मैं समझ जाता हूँ ये वही बंदा है जो हम पे नेट फेंक रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे रश कर देता। तो आगे देखो क्या होगा। तो यार इस एनिमी पे थी M762 और मेरे पे थी पिस्टल, तो मैंने इसको पिस्टल से बजा दिया। तो यार इस चीज़ के लिए ना एक लाइक कर दो। तो मैं यहाँ पे लूटता हूँ, तो आगे में क्या होता है ना, एक बॉट आ जाता है, तो मैं बॉट को ही बजा देता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूँ कि एक गाड़ी की आवाज़ आती है, ठीक है, डासिया की। तो वो डासिया पे रश कर रही होती, तो देखो उनसे आगे मतलब कैसे लड़ेंगे, देखो। तो इसी के साथ ये डुओ भी खत्म हो जाती है, और गाइस अब तक तो इस चैलेंज में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा बहुत लूटते हैं, और लूटने के बाद हम गाड़ी में बैठ के फिर आगे की तरफ रश करते हैं। तो आगे देखो क्या सीन होगा। तो गाड़ी लेके हम यहाँ आगे की साइड आ जाते हैं, और आगे की साइड में आने के बाद पता चलता है कि सामने सीमेंट्री में ना एक डुओ है, ठीक है। तो अभी देखो उनसे कैसे फाइट लेंगे हम लोग।
तो यार मैं उस बंदे को मारने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नॉक हो जाता हूँ। मेरी गलती थी कि मैं थोड़ा ओपन में हो गया था, ठीक है, थोड़ा पीक करके या दूसरी जगह से मारता ना तो शायद से मार पाता, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओपन में आ जाता हूँ और उस पर ऑलरेडी एक असॉल्ट राइफल है तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे को मार सकता था। तो यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ तो मेरा टीममेट संभाल लेता है, तो मेरा टीममेट उन दोनों को फिनिश करने के बाद मेरे पे आता है रिवाइव देने, फिर मैं रिवाइव होने के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। तो चलो आगे। तो फिर मैं रिवाइव होने के बाद यहाँ आगे की साइड आता हूँ सिटी के साइड में, और यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि बंदे हैं कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब तक मेरे को पता नहीं होता कि कहाँ पे बंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ कि सामने से मेरे को डासिया की आवाज़ आ जाती है और वो डासिया हम पे रश करेगी। तो आगे देखो क्या सीन होगा। तो यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, और जब मैं गेम में खेल रहा होता ना तो यहाँ पे होता ही है ना कि लाइक उस जगह पे जब मैं फायर करने की सोच रहा होता ना तो मेरा जॉयस्टिक एकदम से फंस सा जाता है ना, तो मैं लेफ्ट ना तो राइट कहीं घुमा नहीं पाता, तो एक ही जगह पे खड़े हो जाता हूँ जिसकी वजह से मैं मतलब फंस जाता हूँ और वो बंदा आराम से मेरे को मार जाता है, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ मेरा टीममेट बाकी है, अब देखते हैं क्या मेरा टीममेट मार पाएगा कि नहीं। तो देखो आगे। तो यार यहाँ पे मेरा टीममेट मर जाता है, अब वो पता नहीं कैसे मर जाता है। तो खैर जो भी हो वो मैच ख़त्म हो जाता है और वो चैलेंज भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं आ चुका हूँ अभी दूसरे मैच में, तो यहाँ पे ना क्या करता हूँ कि वापस से मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ। अभी इस मैच का चैलेंज क्या होगा वो आपको फिर से आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे देखो क्या होगा। तो फिलहाल तो मैं उतरता हूँ सिवर्नी में, और सिवर्नी में भी काफ़ी सारे डुओस आते हैं, तो आगे देखो क्या सीन होगा। तो गाइस मैं आप लोग को एक बात बताना भूल ही गया कि लाइक जो मेरा गेम का साउंड हो जाता है ना वो रिकॉर्ड नहीं होता, पता नहीं मेरे साथ क्या गलत सीन होते रहते हैं, तो यार उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो भी हो यहाँ पे मैं उतरता हूँ सिवर्नी में, और सिवर्नी में उतरते ही मेरे को मिल जाती है UMP-45, तो उसको लेके देखो कैसे रसूस करूँगा मैं। तो आगे देखो। तो यार यहाँ पे मैं आगे की साइड आ जाता हूँ, और आगे की साइड आने पे ना एक बंदा रहता है जो कि हमारे सेकंड फ्लोर पे है अभी, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट रश नहीं करता क्योंकि ना तो मेरे पे हेलमेट है ना वेस्ट है, तो अगर मैं गया तो आराम से शायद मेरे को ले पाए तो मैं मर जाऊँगा, है ना। तो भैया यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ फिर आगे जाके उसको मारता हूँ। तो आगे देखो। तो इस बंदे को तो मार दिया, इसको मारने के बाद क्या होता है कि मेरा टीममेट इससे पूछता है कि इसका टीममेट है कहाँ पे, ठीक है। तो ये बताता है कि इसका टीममेट जो है रोड के उस साइड है, यानी कि आगे की तरफ, तो मैं उसको मारने की कोशिश करूँगा। तो आगे देखो क्या होगा। और गाइस हाँ, अगर आप लोग को अभी तक पता नहीं चला कि मेरा चैलेंज है क्या, तो मेरा चैलेंज होगा कि ओनली SMG, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ SMG की गन यूज़ करूँगा। तो फिर आगे देखो क्या क्या सीन होगा। तो यार इस बंदे को तो मार दिया बड़े आराम से। अब इसको मारने के बाद मैं यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लूट वूट करता हूँ, ठीक है, और लूटने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठ के चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखो क्या होगा। तो यार इसके बाद यहाँ पे मैं गाड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ से निकल पाऊँ। तो मेरे को एक गाड़ी मिलती है जो कि बग्गी होती है, पानी के साइड में पड़ी होती है, ठीक है। तो मैं वो उठा लेता हूँ, वो उठाने के बाद मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि क्या होता है कि मेरे को फुटस्टेप आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ चर्च के साइड से। तो यहाँ पे मैं गाड़ी रोक देता हूँ, फिर रोकने के बाद हम उनसे लड़ेंगे। तो आगे देखो क्या सीन होगा। तो यार यहाँ पे मेरे साथ गलत सीन होते होते बचा, ठीक है, मतलब मेरा उजी में एमओ बचा नहीं था, ठीक है, एमओ बहुत कम था, फिर उसके बाद एमओ पूरा ख़त्म हो जाता है। तो वही लेके मैं रश कर रहा होता हूँ, फिर याद आता है कि ओ नहीं एमओ नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिर UMP-45 से जो है चेंज करता हूँ, फिर उसको मार देता हूँ। तो इसी के साथ ये डुओ ख़त्म हो जाती है। अब इन दोनों को ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लूट लूट करता हूँ, फिर लूट करने के बाद मैं वापस से गाड़ी में बैठूंगा और फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो आगे देखो गाइस क्या होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ना एक स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब गाड़ी से वहाँ से एग्जिट मारूंगा फिर इसमें तुरंत से ड्राइव कर दूंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, फिर मैं अपने टीममेट से रिवाइव मांगता हूँ, फिर रिवाइव मांगने के बाद मैं वापस से गाड़ी में बैठूंगा हीलिंग करके, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखो क्या होगा। तो यार यहाँ पे मैं रोज़ो के साइड आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब इतना ही खतरनाक सा मैं कुछ चीज़ कर दूंगा ना कि आप लोग को पूरा पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो आगे देखो समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आगे देखो।
तो इस बंदे को तो मैंने मार दिया। इसको मारने के बाद क्या होता है ना कि एक टीम हम पे रश कर देती है, ठीक है। तो उनसे देखो कैसे लड़ेंगे। तो यहाँ पे जब मैं टीपीपी ले रहा होता हूँ तो आगे से मेरे को कोई M24 पटका देता है, तो मेरा हेल्थ तो पूरा कम हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत हीलिंग करके फिर आगे रश करूँगा। तो आगे देखो, तो यार मैं इसी चीज़ की बात कर रहा होता है, मतलब बंदों पे AKM थी, M4 थी, और यहाँ पे मैंने UMP45 से दोनों को क्लच कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्मोक करके लूटने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे को कुछ एमओ मिल जाए ना। तो यहाँ पे मैं एमओ लेने के लिए मतलब स्मोक इसलिए करता हूँ क्योंकि सामने में कोई M24 पटका रहा है, तो कहीं वो मुझे मार ना दे, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्मोक करके लूट लेता हूँ, फिर लूटने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलो आगे। तो यहाँ मैं आगे आ जाता हूँ, और आगे आने के बाद मैं यहाँ पे बंदे ढूंढ रहा होता हूँ। तो आगे में मेरे को एक बंदा दिखता है भागते हो, तो देखो उसको कैसे पकड़ूंगा। तो यार इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया। इसको नॉक करने के बाद मैं उसको फिनिश नहीं करता क्योंकि यार सामने उसका टीममेट है, वो उसको बचाने आएगा, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा एमओ नहीं होता इसलिए फिनिश नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ कि लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करता हूँ क्योंकि देखो मैं जोन में हूँ और वो जोन पे है नहीं, ठीक है। तो आने की ऑब्वियसली कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिर देखो उसको कैसे मारूंगा मैं। तो यार वो बंदा मेरे को चकमा देके पीछे की साइड भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे मैं उसको मार तो देता हूँ। अभी दोनों खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मेरे में एमओ की कमी हो गई है, ठीक है, क्योंकि मेरे में एमओ है नहीं UMP45 में। तो यहाँ पे आगे घरों के साइड आ जाता हूँ ताकि मेरे को कुछ एमओ मिल जाए, मैं लूट उट करूँगा थोड़ा बहुत। तो एमओ तो मेरे को मिलता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक और एक उजी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं दूसरी उजी भी उठा लेता हूँ क्योंकि देखो एमओ है नहीं तो और क्या करूँगा, तो एक दो गन तो चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं उजी उठा लेता हूँ। उजी उठाने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखो क्या होगा। तो फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद मतलब सामने मेरे को बंदे दिखते हैं, तो ठीक है। तो मैं उनको मारने की कोशिश करने वाला हूँ, तो आप देखो क्या मैं उसको मार पाऊँगा या नहीं। तो आगे देखो। तो यार वो बंदा भी मेरे पे नेट करता है, लेकिन वो मेरे नेट से बचता नहीं है, ठीक है। मैं तो नॉक कर देता हूँ लेकिन वो नॉक नहीं कर पाता, और मैं जब इसको नॉक करता हूँ तो उसका जो टीममेट होता है वो रिवाइव देने की शायद कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो होता ये है कि लाइक एक और यहाँ पे दूसरा टीम होता है जो कि मतलब अकेला बंदा होता है आगे की साइड में। तो वो क्या करता है कि जो दूसरा बंदा रहता है जो जिंदा रहता है, मतलब एक तो मैंने नॉक किया, ठीक है, अब जो दूसरा बाकी था उसको उसने M24 पटका दिया। तो इसी के साथ ये डुओ भी ख़त्म हो जाती है। अब वो बंदा जो है मेरे सामने, तो उसको मारने की मैं कोशिश करूँगा। तो आगे देखो क्या होगा। तो यार ये बंदा तो मतलब भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया उजी से, ठीक है। अब मेरे को लगता तो नहीं है कि मैं उसको उजी से उतना दूर मार पाता, लेकिन जो भी हो मैंने उसको मार दिया, ठीक है। तो उसको मारने के बाद मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, और गाड़ी लेने के बाद अब एक आखिरी बंदा बाकी है, तो उसको देखो कैसे मारने वाला हूँ मैं। तो यार गेम का साउंड तो रिकॉर्ड नहीं होता जिसकी वजह से आप लोग को पता ना चल रहा हो, लेकिन वो बंदा मेरे पे M249 पटका रहा है सामने में। तो फिर देखो उससे कैसे फाइट लूँगा। तो यार इसी के साथ ये चिकन डिनर हो जाता है और हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाता है। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट करो तो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।